हेलो दोस्तों, आज हम एक और करेक्टर सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक विजार्ड है। शुरू में से पहले जो हमने करेक्टर किया था वो थोड़ा बेसिक सा था। ये भी बेसिक में ही आएगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलग तरीके से होंगी। तो आइए देखते हैं कि हम उसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी चीज़ ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपको नज़र आए, और अपने करेक्टर को थोड़ा सा जी और एक्स प्रेस करके साइड पे कर लेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरा जो 3D कर्सर है वो अपनी जगह से मूव हो गया है। तो मैं शिफ्ट सी प्रेस करूँगा तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, और शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मैं क्यू ले लूँगा जो ब्लेंडर का बेसिक क्यू होता है। हम थोड़ा सा स्केल कर लेंगे तो क्या, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और ताकि इसको अलाइन कर लेंगे अपने विजर्ड के साथ। ठीक है, करेक्टर हमारा विजर्ड का ऐसा है ये बेसिक ही, लेकिन जो है इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिटेल वाली हैं। तो मैं एडिट मोड में आ गया हूँ, कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ तो इससे जो है एक लूप कट की लाइन आ गई। ठीक है, और अब जो है वायर फ्रेम मोड में आके मैंने ये वाले एक साइड के सारे वर्टिसेस सेलेक्ट किए और सॉरी डी डिलीट, और ये सारे वर्टिसेस डिलीट हो गए। मॉडिफायर में आकर के इसको जो है मिरर लगा लेंगे और क्लिपिंग ऑन कर देंगे। क्लिपिंग बड़ी फायदेमंद चीज़ है। क्लिपिंग से असल में होता ही है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है ना, ये देख रहे हैं, ये आपस में मैं अगर इसको एक्स से मूव करने की कोशिश करूँ ना तो ये निकल नहीं रहा, छूट नहीं रहा, आगे पीछे नहीं हो रहा। अगर ये क्लिपिंग चेक नहीं हो और मैं इसको एक्स की तरफ मूव करने की कोशिश करूँ तो देख रहे हैं ये किस तरह पीछे जा रहा है और जो है अंदर की तरफ भी हो रहा है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि क्लिपिंग आपका चेक होना चाहिए। तो अब आए शुरू करते हैं। सिंपल दो लूप कट्स यहाँ ले लेंगे, एक लूप कट यहाँ ले लेंगे और एक लूप कट यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सॉलिड मोड में। तो स्केल कर लेंगे क्या, हम आ जाएंगे वायर फ्रेम मोड में जी एक्स। ठीक है, जी एक्स सभी जी एक्स और जी स्मार्ट टॉर्सो तकरीबन रेडी। और इसी के अंदर जो है ना हम इसका गाउन भी ले लेंगे। वैसे ये कैरेक्टर दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये है मुश्किल कि जब मैं इसको बना रहा था तो उस टाइम मुझे याद है कि मुझे इसको मतलब ये एक ट्राई में जो है मुझसे बना नहीं था, मुझे इसमें दो तीन ट्राइज लगे थे। ई से एक्सट्रूड करता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, एस और एक्स हॉरिजॉन्टली स्केल करने के लिए, ई दोबारा, एस और एक्स हॉरिजॉन्टली स्केल करने के लिए, फिर से ई और एस और एक्स हॉरिजॉन्टली स्केल करने के लिए। ठीक है, अब हम एज मोड में आ जाएंगे और इसको इस वाले एस को पकड़ के एस और एक्स। ठीक है, इस वाले को भी पकड़ के एस और एक्स। ठीक है, अच्छा, इस वाले को पकड़ के दोबारा एस और एक्स, इस वाले को पकड़ के, अरे सॉरी, देखा ना मैंने शिफ्ट से प्रेस करके किया तो वो नहीं हुआ, ऑल्ट और राइट क्लिक, एस और एक्स।
एसओएक्स। अच्छा तो अब तकरीबन हमारा गाउन तो रेडी है। ऐसा जी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डिटेल्स ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जी और जेड, ठीक है। यहाँ पे अब जो है इस वाले वर्टिसेस को पकड़ के, बल्कि सबको ही पकड़ लेते हैं इस वाले पूरे एच को, जी और एक्स, थोड़ा सा आगे कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें वर्टिसेस चाहिए। कंट्रोल आर, ठीक है, ये लाइन आ गई, प्रेस की। अब जो है नेक और फेस, ऊपर वाले जो दो फेसेस हैं उनको पकड़ के हम नेक और फेसेस बनाएंगे। ऊपर वाले को सेलेक्ट किया, जी जेड। हाँ, इससे काम नहीं चल रहा, तो अब हम करेंगे ये कि ई, और वो खुद ही उसने एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऊपर हो रहा है। कभी कभी मैं खुद भी गलती कर जाता हूँ क्योंकि ऐसा होता है, तो टाइम लगाएं इसको, मतलब आराम से करें, जल्दी जल्दी में जो है ना फिर ये काम खराब कर देगा, ठीक है। अब जो है फेस की बारी है, ऊपर के वही सेम दो फेसेस को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ई प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, ठीक है, एस से थोड़ा सा स्केल, ठीक है, फिर ई। अब ये जो है मैं माउस को ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले ई प्रेस किया, फिर राइट क्लिक कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने एस से थोड़ा सा स्केल किया। उससे हुआ ये कि मैंने जब मैंने यहाँ ये वाले फेसेस सेलेक्ट किए हुए थे जो इसके ऊपर थे, ठीक है, उसको जब मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ई प्रेस किया, ठीक है, और क्लिक कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद जब मैंने उसको स्केल किया तो वो समझें कि सारी डायरेक्शंस की तरफ बढ़ा, यानी कि इस तरफ बढ़ा, इस तरफ बढ़ा और पीछे की तरफ, इस तरफ बढ़ा, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद मैंने जो है उसको दोबारा प्रेस किया, ई प्रेस किया, और उसके बाद मैंने उसको ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया, ये ऐसा हुआ है, ठीक है। अब जो है हमारा फेस तकरीबन रेडी है, लेकिन हम इसको एस और एक्स कर लेंगे ऊपर की तरफ से। फेस जो है इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, ये वाले करेक्टर में फेस बड़ा है, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम जो करेंगे, के आर्म्स, ई फिर ई फिर ई, यहाँ तक मेरे ख्याल में सही रहेगा, क्या ओके। अब जो है हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डिटेल निकालते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने जो रेफरेंस लिया हो आप एग्जैक्टली वही बनाए, बस करना यह है कि कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा करीब करीब हो, लेकिन शुरू में रेफरेंस रखना ज़रूरी है। मैं अभी लूप कट्स ऐड कर रहा हूँ, ओके। अच्छा, काम हम पहले फेस पे करेंगे, ये
वाले लूप को सेलेक्ट कर लेते हैं। गैंग सबसे पहले जो है हम चलते हैं अपना फ्रंट का एरिया बना लेते हैं एस और एक्स। क्या को थोड़ा सा एक्स वाले की तरफ से छोटा कर लेंगे और इसको जी प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे और इसको एस और एक्स साइडों से और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। बैक साइड से हम आगे की तरफ कर लेंगे, इसको और आगे की तरफ। ठीक है, इस वाले को ऊपर की तरफ ताकि हेड का शेप बन जाए। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता हेड का शेप निकलता आ रहा है। और इन दराजिस को भी पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ ले लेंगे जी और एक्स। अब जो हमारी ये वाली एज है इसको थोड़ा सा नीचे ओके इन दोनों को सॉरी करके थोड़ा सा नीचे और जी और एक्स और थोड़ा सा अंदर की तरफ ऊपर जी और है ऐसे नीचे। इस वाली इन दो को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर और इधर से हेड को थोड़ा सा और बाहर की तरफ और इस वाले को जी और वाई थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, अब जो है ऐड का साइज देख लेते हैं। सही है, अब इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे अपनी नोज। ऐड तकरीबन तकरीबन रेडी है, एक लूप कर दे देते हैं। के प्रेस किया मैंने, ठीक है, फिर पहले वाले वर्टिसी से लेके दूसरे वाले वर्टिसी तक क्लिक किया और फिर एंटर। आप देख सकते हैं और इन दो वर्टिसेस को पकड़ के मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लूँगा जी और एक्स। ठीक है, हाँ, अब नोस के लिए हमें चाहिए एक लूप कट यहाँ। ठीक है, और अरे आ जाओ भाई जी वाई नहीं, एक लूप कटने लगता है हमें यहाँ पे भी चाहिए होगा। अब करते हैं, मतलब ये देख रहे हैं अब मैं भी खुद बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक ही तरीके से चीज़ बनती हो, बार बार आपको ट्राई करना पड़ता है फिर जाके होता है। अगर नाक को देखें रेफरेंस वाली तो उसको यूं करके आगे की तरफ है। तो इसका एक तरीका और भी है, हम वो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, मैं प्रेस करता हूँ 3, अपने पुराने वाले विजर्ड को हाइड कर लेते हैं
लेते हैं, यहाँ पे है मेरी नोज, ठीक है। अब मैंने किया ये है कि मैंने इस वाले फेस को सेलेक्ट किया है, मैंने 3 प्रेस किया है, ठीक है। मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा, आप देखें क्या होता है, ये आगे की तरफ आ गई, ये और आगे की तरफ आ गई, ऐसे छोटा कर लिया स्केल, ठीक है। अब इस वाले एज को पकड़ के ऊपर की तरफ कर लेंगे और इस वाले एज को पकड़ के जी और एक्स थोड़ा सा बाहर की तरफ, क्या कर दिया इसको, फ्रंट वाले फेस को प्रेस किया कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस जी और वाई, थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे, अपना रेफरेंस खोल लेते हैं, और नीचे वाले एच को पकड़ेंगे जी और इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और यहाँ एक लूप कट चाहिए, जी है क्या, इस वाले को पकड़ के जी और वाई, इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा और बाहर, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर, इस वाले को पकड़ के और थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा आगे की तरफ, इसको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा आगे की तरफ, हमारी नोस काफी हद तक रेडी हो गई है। थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, अच्छा नोज मुझे अभी थोड़ी थोड़ी सी छोटी लग रही है, मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा स्केल किया है और थोड़ा सा जी की तरफ मूव भी किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा पीछे हो गई, इसको आगे कर लेते हैं, ओके। नोज हमारी तकरीबन डी है। अब जो है हम इसके एयर्स पे काम करेंगे, के प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ 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 जो है ये हमने एक नाइफ टूल से अपने एजेस बना लिए हैं, ये फेसेस बन गए, ठीक है। अब इन फेसेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ई से एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है।
आर और जेड रोटेट कर लिया, और ये अंदर वाली जो एच है इसको सेलेक्ट करके जी और एक्स अंदर की तरफ इसको करके इन दोनों को कर लेंगे जी और एक्स। इनकी जो वर्टिसेज हैं इनको थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे अब जी एक्स जी एक्स जी एक्स जी एक्स जी जेड। इस वाले को थोड़ा सा बाहर की तरफ जी वाई, इस वाले को भी थोड़ा सा बाहर की तरफ सॉरी जी वाई जी वाई, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर कर लेना चाहिए, वाले को थोड़ा सा नीचे कर लेना चाहिए। कान हमारा तकरीबन रेडी, और डिटेल्स हम बाद में ऐड कर लेंगे। नीचे के जो हमारा ये वाला एरिया है ये लगता है कि इसको मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेना चाहिए जी एक्स। ध्यान रखें कि जो है ना ये वर्टिसेस आपस में बहुत ज़्यादा मिल ना जाएं, तो ये जो है ना काम ख़राब कर देते हैं। अब जो है इसकी बेयर्ड का काम कर लें, पहले इस एरिया को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी और वाई। ट्रोल आर इस वाले एच को पकड़ के हम उसे आगे कर लेंगे जिससे ये हमारी मस्तैश आ जाएगी थोड़ी सी। और बेयर्ड के लिए जो नीचे वाला इस एरिया है इसमें एक लूप कट डालेंगे, इसको पकड़ेंगे। क्या कंट्रोल क्लिक कंट्रोल क्लिक कंट्रोल क्लिक, ठीक है। आप बेड आ गई है लेकिन अब इसको शेप देना है एस और एक्स, ठीक है। ओके से सेलेक्ट हुए हैं एस और एक्स, एस और एक्स, ठीक है। ओके यहाँ पे हम एक अपनी मर्जी का लूप कट लेंगे यहाँ पे भी, ठीक नहीं रहा। ओके इसको हम यहाँ मर्ज कर लेते हैं।
है, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, एम मर्ज एट लास्ट, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, एम मर्ज एट लास्ट, फिर इसको सेलेक्ट किया, एम मर्ज एट लास्ट, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, एम मर्ज एट लास्ट। फिर वही है कि ये इससे कनेक्ट हो गया डायरेक्ट नेक्स्ट से, ठीक है। इसको आगे कर लेंगे, जी वाई, अरे जी वाई, जी वाई जी वाई, ठीक है, जी वाई, जी वाई। चलो देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप ये फुल वन गो में बनाएं, ठीक है, आराम आराम से बनाएं, क्योंकि मैं भी आराम आराम से ही बनाता हूँ, जल्दी में जो है थोड़ा सा काम ख़राब हो जाता है। आराम आराम से करें, बिल्कुल अपना टाइम लें, पूरा अपना टाइम लें। जी और जेड, ठीक है, घड़ी आ गई है, तकरीबन बड़ी स्ट्रेट स्ट्रेट सी है, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल्स तो हम डालते जाएंगे। हमारा ये वर्टिसी है, इसको भी सब बाहर की तरफ कर लेंगे, नहीं ये। और इस एज को मुझे लगता है मैं डिसॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट प्रेस किया और डिसॉल्व एज। जिस जिस एज का आपको लगे ना कि ज़्यादा है तो उसे डिसॉल्व कर लें। ये भी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो लीव डिसॉल्व एच। यहाँ एक पॉइंट लगा देते हैं बस, इधर लगाएंगे इसको, रिजेक्ट लास्ट, क्या हाँ, ये बियर्ड तकरीबन रेडी है। थोड़ा सा इसके नेक पे काम करना है, करते हैं। नहीं, इधर एक लूप कट लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ, ये ऐसा हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ,
अब मैं जो है पर्सनल रेटिंग खोल रहा हूँ, जी वाई का थोड़ा सा इसको बाहर किया हमने इस वाले को, करेंगे अंदर की तरह। जी वाई हो गया जी वाय, ये इसको थोड़ा सा बंद करके आगे करेंगे जी वाय। थोड़ा सा इसको खोल के जी और वाई, जो ये हेड है इसको थोड़ा सा जी और वाई पीछे की तरफ, ठीक है। क्या जो है हमारी बॉडी की बारी, फ्रंट मुझे लगता है ये एज जो है ना एक्स्ट्रा हो रही है, इसको डिसॉल्व करेंगे। सेलेक्ट हो जाओ भाई, कभी कभी ये होता है। सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, ये मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रहे। अब जैसे कि ये बहुत करीब करीब हैं तो जो है ये काम में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती हैं। क्या जी वाई थोड़ा सा आगे कर लेंगे, सेम इस वाले को भी पकड़ के जी थोड़ा सा और आगे कर लेंगे। थोड़ा सा आगे कर लेंगे, और जो बीच में हमारा ये है उसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली आगे कर लेंगे। सबको सेलेक्ट करके इसको जी एक्स थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेंगे।
ध्यान रहे बहुत ज़्यादा ना हो जाए, वरना फिर जो है एडजस्ट मिल जाएंगे तो मसला हो सकता है। तो थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, हमारी जो बीच वाली लाइन है वो अंदर की तरफ चली गई है, उसको चेक करते हैं। प्रोपोर्शनल रेटिंग बंद करके करेंगे जी वाई नहीं हो रहा जी। ओके तो सही है, ठीक हुआ वही लाइन भी थोड़ी सी अंदर हो गई है। अब ये जो है ना ऐसा ही है कि टाइम टेकिंग है, आराम आराम से आपको करना पड़ता है। जल्दी करते हैं ना तो फिर काम खराब हो जाता है। इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्या इसको अब हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो मुझे लगता है प्रोपोर्शनल एडिटिंग खोल के हम कर लें ज़्यादा बेटर है। इसको और इसको हम पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। बस ज़्यादा नीचे हो गया है, तो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ओके थोड़ा सा छोटा, और इसको भी थोड़ा सा छोटा जो है। हम थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा है हमारा करेक्टर, के बूढ़ा आदमी है ना तो उसकी फिजिक नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम जो है इसके हाथ बना लेते हैं। अच्छा, इसका जो तरीका है वो ये है, मैं स्पेस को सेलेक्ट करता हूँ, मैं आई प्रेस करता हूँ तो उससे देखें अंदर एक उसने लूप बना दिया, ठीक है। मैंने उसको एस से छोटा कर लिया, ठीक है। फिर मैं अच्छा अपनी प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद कर लेता हूँ, जी जेड दोनों को ऊपर कर लेंगे, इसका भी ऊपर कर लेंगे, इसका थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेंगे। अच्छा, पिछली दफ़ा मैंने दूसरे तरीके से बनाए थे, इस दफ़ा मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। मतलब मल्टीपल वेज हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे जब जो तरीका याद आता है ना तो फिर मैं वाला शेयर कर लेता हूँ। ये वाले फेसेस सेलेक्ट हैं, वन प्रेस कर दिया है, ठीक है। आप कंट्रोल
क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, ठीक है। अब जो है हम करेंगे ये, इस एच को पकड़ेंगे, ठीक है, हम प्रेस करेंगे वी और एक्स, सॉरी वाई, दोबारा से करते हैं, तो पकड़ा वी और वाई। इससे क्या हुआ कि जो है ये जो एच थी वो 200 में टूट गई, और वाई प्रेस करने से मैं इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह इसको जी और वाई थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, इस एच को पकड़ेंगे तीनों को और एफ प्रेस कर देंगे, तो ये देखें फेल होगी। इस तरह इन तीनों को पकड़ेंगे, चारों को, और एफ प्रेस कर देंगे। ओके, जो हमारा ये लूप है इसको मैं कर दूंगा डिसॉल्व। इसको मैं पीछे की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और ये कर सकते हैं कि मैं इस वाले को इससे मर्ज कर लूँ, मर्ज एट लास्ट, और सेम थोड़ा सा पहले मैं आगे कर लेता हूँ, फिर अब इसको इसके साथ मर्ज कर लेते हैं। देखें फिंगर्स हमारी तकरीबन ऐसे रेडी हो गई हैं, जी और वाई थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, यहाँ से ये वर्टिस नीचे वाला इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं ना, फिंगर थोड़ी सी अजीब सी लगेगी। इन तीनों को भी कर लेंगे, और इस वाली एज को पकड़ के हम थोड़ा सा आगे जी और एक्स, और इस वाली को पकड़ के हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे जी और एक्स। हाँ, इसको अभी थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं जी और एक्स, इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा आगे जी और एक्स, सॉरी मैं बार बार वाई प्रेस करता हूँ, ये जो है ना देखें फिर से, लेकिन जी और एक्स प्रेस करना है, ठीक है। देखें हमारा हाथ ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गया है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है, और एस प्रेस करके मैं एक्स जेड करूँगा, ठीक है, चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाए। सेम चीज़ हम ऑल्ट और इसके साथ भी करेंगे, एस और जेड, ठीक है। मेरे हाथ थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओके, अब हमारा थंब रह गया। थंब के लिए हम ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, 7 प्रेस करूँगा मैं, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, आर और जेड, और थोड़ा सा एस स्केल कर लेंगे एज में आके, और इस वाले एज को पकड़ के इसको भी थोड़ा सा स्केल कर लेंगे, एस और वाई, और इस तरह से भी स्केल कर लेंगे। क्या हो गया, इस वाली को और इस वाली को पकड़ के आर और वाई, और इस वाले फेस पकड़ के थोड़ा सा नीचे,
ओहो, लेकिन इसको पकड़ के आप थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेंगे, इस वाले को भी थोड़ा सा नीचे। देखें मारा, कम बड़ा जबरदस्त रेडी हो गया। इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं। फिंगर में यहाँ एक लूप कट चाहिए। डॉलर, हाँ डॉलर, क्या? और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे करेंगे। अरे जो हमारे ये फेसेस हैं इनको भी पकड़ के थोड़ा सा नीचे, जी और एक्स से थोड़ा सा पीछे भी कर लेंगे, थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे। ठीक है, देखें हमारा हाथ कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया। ओके, अब जो है फेस मुझे थोड़ा सा अपना बड़ा लग रहा है, फेस पे काम करेंगे थोड़ा सा। फेस को हम छोटा कर लेंगे, इसके लिए वायर फ्रेम मोड में आ जाएंगे और यहाँ से वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे। आप इससे सॉलिड मोड में आकर के अब हम इसको देखेंगे, जब हम इसको छोटा करते हैं तो ये कैसा लगता है। ख्याल रखना है कि हमारे एजेस खराब नहीं होने चाहिए, ठीक है? ना सही है। इसको हम इसमें मर्ज कर देंगे लास्ट लास्ट एंड एट लास्ट। ठीक है, दूसरी चीज जो मैंने, अच्छा इन दोनों को थोड़ा सा आगे की तरफ, और इस पार्ट को थोड़ा सा अंदर की तरफ, इस वाले को नहीं, क्योंकि ये जो है नेक को अंदर कर रहा है। इसको भी थोड़ा सा अंदर कर लेंगे। अब जो है जैसे हमारी ये बियर्ड यहाँ से बाहर आ रही है, हम इसको सेट करेंगे। ओके, हाँ ये यहाँ लूप कट लगा लेंगे और दूसरा लूप कट हम लगाएंगे यहाँ और यहाँ। हाँ, इस वाले फेस को पकड़ के बाहर की तरफ करेंगे जी और एक्स। और
वर्टिसी और इस वर्टिसी को पकड़ के बाहर करेंगे जी और एक्स, ठीक है, थोड़ा सा अंदर कर देंगे, ज़्यादा हो गया। ओके एक लूप कट यहाँ, अच्छे से देख लेंगे। ओके और एक यहाँ पे भी, वाले को और ऐसा बाहर की तरफ, और इस वाले को अंदर की तरफ, यहां से हो गया, यहां से ये यहाँ से, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना मुझे भी समझ नहीं आ रहा होता, क्या करना है, लेकिन ये कि वो बार बार करने से फिर हो जाता है। इसमें भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये खुद ही आपको आता जाएगा। लगता है कि ये और ये ज़्यादा है, और आई थिंक ये एच भी ज्यादा है, थिंक ये एच भी ज्यादा है, डिजॉल्व कर लेंगे। और इस वाली एच को थोड़ा सा और बाहर कर लेंगे, तो हम थोड़ा सा अंदर की तरफ, इसको भी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेंगे। इस वर्टिसी को भी थोड़ा सा अंदर की तरफ, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हम सेम एग्जैक्ट बनाएं। हमारा गोल ये है कि हमें ये चीज़ समझनी है और हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि हम बना सकते हैं, गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। बस आपने कोई भी करेक्टर उठाना है और उसको बनाना शुरू करना है, बनाते जाएं बनाते जाएं, देखते जाएं कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही करना है। इसको हम ऊपर कर लेते हैं और इस वाले एच को पकड़ के बाहर की तरफ कर लेते हैं। इस वाली एस को पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ,
जी एक्स जी इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे ताकि नेक में खुलाई जो है वो आ जाए। जी एक्स जी वाई देखें ये थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो गया, इसको भी सही करना पड़ेगा। जी वाई जी और वाई क्या अच्छा, जब अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि वर्टिसी खराब हो रहे हैं या कुछ इस तरह हो रहा है, तो आप करेंगे लग करें और डिलीट कर दें, ठीक है। सो डिलीट इस वाले एच को हम डिसॉल्व कर लेंगे। मैंने डिसॉल्व इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ पे लूप्स कम है, ठीक है। इसको पकड़ा एफ, इसको सॉरी इसको भी पकड़ा एफ, इन तीनों को पकड़ा एफ, तो इसको इसको पकड़ा एफ, इसको पकड़ा एफ, और दोनों को पकड़ा यहाँ पे एफ, इसको इसको और इसको यहाँ से पकड़ा एफ, या इसको इसको हमने पकड़ा एफ, और इनको पकड़ के अब जो है इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेंगे। ओके, इसको GY हाँ थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। GY ओके के तो अब जो है थोड़ा सा बियर्ड और फेस पे काम करेंगे। मैंने इस वाले एच को पकड़ा है, ठीक है, और मैं प्रेस करूंगा
और x, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर लूंगा, ठीक है। और फिर इस एच को पकड़ के थोड़ा सा वाई वाले एक्सिस में इसको मैं आगे कर लूंगा, क्या इस वाले एच को डिसॉल्व कर लेंगे, क्या। फिर इन सब को पकड़ के एफ प्रेस कर देंगे, ये वाले एच की भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हम डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ बन रही है, आई थिंक इस एच की भी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हम डिसॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक कट लगा लेते हैं, और इसको जी और एक्स करके हॉरिजॉन्टल मूव कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा ऊपर, सेम इसके साथ भी यही करेंगे, थोड़ा सा आगे, इसको थोड़ा सा और आगे, ठीक है। इसी तरह इधर भी, और इधर और इधर भी, इन दोनों वर्टिसी को पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। जी और एक्स करके इसको थोड़ा सा इस तरफ, जी और एक्स करके इसको थोड़ा सा इस तरफ, जी और एक्स करके इसको भी थोड़ा सा इस तरफ, जी और एक्स करके इसको भी थोड़ा सा इस तरफ। अब हमारी काफी डेप्थ बन गई है, इस वाले पॉइंट को पकड़ के और इससे अंदर और इस वाले एज को पकड़ के भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ। काफी हद तक हमारा करेक्टर बेहतर होता जा रहा है, इस वाले पॉइंट को हम आगे कर लेंगे। देखें नाक कितनी जबरदस्त हो गई है। यहाँ पे मुझे लगता है कि हम को एक कट देना चाहिए, या फिर यहाँ जो है हम आंखों के लिए कुछ स्पेस बना लें। इस वाले को पकड़ के एज को थोड़ा सा मैं पीछे कर लूँगा, ठीक है। हमारे पास आंखों की भी स्पेस अब रेडी हो गई है। इस वाली एज को पकड़ के थोड़ा सा अंदर, और इसको भी पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ, नाइस। इस वाले को थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, ये ज़्यादा लग रहा है। ये ऐसी चीज़ है कि आप बार बार करेंगे ही तो आपको आएगी, वरना एक दफ़ा से ये नहीं हो सकता। तक आप बार बार इसको ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ नहीं होगी ना, तो ये मुश्किल है। जी और एक्स,
जी और एक्स, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जी और एक्स, थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर जी और एक्स, और इसको थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरफ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ज़्यादा लग रहा है। अब जो है हमको चाहिए इसकी आईब्रो, तो मैं यहाँ पे फोरहेड पे इसके क्लिक कर दिया, मैंने लेफ्ट क्लिक किया ताकि मेरा कर्सर यहाँ आ जाए, और शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब, क्यूब का साइज छोटा कर लेंगे, ठीक है जी और एक्स, ठीक है, और इसका ये वाला फेस सेलेक्ट करके जी और एक्स, इसमें हम दो लूप कट्स बना लेंगे। इस वाले फेस को पकड़ के मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, इस वाले को भी एच से पकड़ा है, थोड़ा सा छोटा, और इस वाले फेस को पकड़ के थोड़ा सा और छोटा, ठीक है, इस वाले फेस को पकड़ के पीछे, और इस वाले पूरे एच को पकड़ के थोड़ा सा आगे, सेम इसके साथ भी थोड़ा सा आगे, और इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर, ऐसे वाले को पकड़ के थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक लूप यहाँ और दे देते हैं ट्रोलार से, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेंगे, और इसको हम अंदर की तरफ रोटेट कर लेंगे, आर और एक्स करके थोड़ा सा इस तरफ रोटेट, थोड़ा सा बाहर की तरफ, हमारा ये पॉइंट है बाहर आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा अंदर कर लेंगे, और इसको नीचे करके आर और वाई, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे, हमारी आईब्रोज तकरीबन रेडी, ठीक है, इसमें भी हम मिरर लगा लेंगे, मिरर मॉडिफायर, ठीक है, और इसको हम मिरर ऑब्जेक्ट में अपना जो एक करेक्टर है ये दे देंगे, देखें सही तरीके से बिल्कुल हमारी आईब्रोज आ गई हैं। चाहें तो थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा करेंगे बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है, हमारी आईब्रोज रेडी हो गई हैं। अब हमें अपने विज़ार्ड के जो कप्पे हैं इस पे थोड़ा सा काम करना है, जो ये वाला एरिया है इसको हमने पकड़ लिया है एच से, और इसको हम थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक लूप कट दे देंगे, और इसको हम एस और वाई कर लेंगे, जो हमारा करेक्टर है इसके थोड़े से गाउन पे काम करना है,
नीचे वाले एच को पकड़ के हम थोड़ा सा इधर प्रोपोर्शनल एडिटिंग खोल लेते हैं, वाई की तरफ इसको आगे कर लेंगे। तो इधर भी पकड़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि सेम चीज यहाँ भी कर लेंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इधर से थोड़ा सा अंदर की तरफ, ओके। प्रोपोर्शन एडिंग से मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया। और जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब बारी है इसके फीट की। फीट के लिए हम यहाँ एक लूप कट बना लेंगे। इधर मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के आई प्रेस करूँगा। ये छोटा हो गया और ई से एक्सट्रूड। ऑल्ट से प्रेस करेंगे और इसको छोटा कर लेंगे। सेम चीज हम यहाँ करेंगे। ओके यहाँ एक लूप कर देंगे। ई से एक्सट्रूड ऐसा और एक्सट्रूड, ठीक है। इस वाले फेस पकड़ के जी एक्स और ऐसा आगे, कोई पकड़ के जी एक्स और ऐसा आगे। जी एक्स नीचे जो हमारे पाँव की एज है इसको हम डिसॉल्व कर देंगे। और इसको आर वाई रोटेट करके करेंगे कि ये स्ट्रेट हो जाए।
एस एच को भी हम डिजॉल्व कर देंगे। इसको आगे की तरफ कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ और इस पूरे फेस को पकड़ के इसको रोटेट और ऐसा बाहर की तरफ कर लेंगे। ठीक है, इसको भी सेट कर लेंगे। इधर एक लूप कट दे के जी और वाई नहीं, इसको नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ। जी और एक्स फ्रंट से इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा इसको डिजॉल्व करके देखते हैं। ये एक जो आ रहा है ना, ये थोड़ा सा काम खराब कर रहा है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। और नीचे की तरफ से इस एच को हम बाहर कर लेते हैं। हमारे विजार्ड के शूज रेडी हैं। हमारा फेस अभी भी काफी बड़ा लग रहा है, इसको छोटा कर लेंगे। जी थोड़ा सा नीचे इसको भी थोड़ा सा स्केल डाउन। थोड़ा सा आगे
देख लेंगे। ओके, एक हुडी टाइप की जो है ना स्ट्रक्चर में बनी हुई है वो बनाएंगे। और इसको रोटेट कर लेंगे। हमारा ई थोड़ा सा आगे कर लेंगे, इसको वापस से रोटेट कर लेंगे। जो हमारा ये है इसको भी हम थोड़ा सा रोटेट करके ऊपर की तरफ कर लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। इसको हम शूट करेंगे, इसको एट थोड़ा सा नीचे और डेट थोड़ा सा नीचे और डेट पीछे थोड़ा सा और नीचे। एस और एक्स, एस और एक्स, एस और एक्स, फिर से आर एक्स, इसके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। इसको कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर, गलती कर दी इस वाले को, नहीं इन दोनों को ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर। क्या इसको थोड़ा सा मुझे लगता है पीछे करना चाहिए क्योंकि इसमें मिलेगा तो मसला करेगा। एच हमें सेलेक्ट करना है, जी और वाई और ऐसा नीचे। इसको थोड़ा सा बाहर और इसको भी थोड़ा सा बाहर। क्या हमारा जो ये वाले एज हैं इनको पकड़ के हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे।
इसको भी इसको अंदर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या थोड़ा सा बाहर की तरफ और इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ बस अंदर। अरे GX थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा आ गया। जी थोड़ा सा और ऊपर कर लेना चाहिए। थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इधर एक लूप कर देके इसको और इसको हमें कवर करने हैं। और यहाँ पे हमें ग्रुप कर दे देंगे। GX क्या इसको थोड़ा सा कर लेंगे। इवन हमारा करेक्टर काफी हद तक रेडी है। तो नीचे इसको तो इसे छोटा कर लेंगे। आईब्रोज देख लेंगे हमारी अंदर है। सही है। तो हमारा करेक्टर काफी हद तक तैयार है। अब बस हमें थोड़ा सा कपड़ों पे काम करना है और इसकी हेड पे। हेड के लिए हम करेंगे ये सामने। मैंने क्लिक कर लिया फोरहेड पे और यहाँ पे मैं शिफ्ट ए करूँगा और हम एक सिलेंडर लेंगे। जैसे सिलेंडर आ जाए आपने इस तरफ ये देखना है, ऐड सिलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। ये मेन्यू खुल जाएगा और इसमें जो है आपने वर्टिसेस 6 पे क्लिक करना है। सी आप 6 पे करेंगे तो देखें ये हेक्सागन बन गया। तो मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और फिर एस और जेड। ठीक अब हम इसको सेट कर लेंगे जी वाई थोड़ा सा नीचे फिर जी वाई एस और सेट। ठीक है फिर से जी और जेड और थोड़ा सा पीछे कर लेंगे लाल के लिए।
अपने विजार्ड हार्ट फाइट कर देते हैं क्या? अब इसमें हम आ जाते हैं एडिट मोड में, ठीक है। ऊपर वाले फेस को पकड़ा और मैं प्रेस करूंगा आई, उसे एक देखें अंदर एक लूप बन गई, ठीक है। और हम जो है 3 प्रेस करके कंट्रोल क्लिक और छोटा कंट्रोल क्लिक छोटा, और इसको साथ में थोड़ा सा रोटेट भी कर लेंगे, कंट्रोल क्लिक, हाँ इसको रोटेट कर लेंगे थोड़ा छोटा, क्लिक और थोड़ा सा छोटा और आर्क, अब इसको छोटा कर लेंगे। हैट हमारी रेडी है, थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे आर एक्स, रोटेट थोड़ा सा नीचे और थोड़ी सी पीछे। आहा, देखें कितना मस्त रेडी हो गया हमारा विजार्ड। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे। यहाँ के हमारा जो ये वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ एक लूप कट दे देंगे। इस वाले फेस को पकड़ के थोड़ा सा स्केल कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ। इस वाले फेस को पकड़ के ऊपर की तरफ पूरी हेड को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अच्छा, एक चीज हमको और करनी चाहिए, आई इसको थोड़ा सा, ओके जी जेड और जेड, ताकि ये उस एक्सेस में मूव करे जिसमें हमारी हेड है, ठीक है। जी जेड और जेड थोड़ा सा हेड ऊपर कर लेंगे। हमारा विजार्ड मस्त रेडी हो गया। तो अब आ जाते हैं हम इसके मटेरियल्स पे। अच्छा, इधर एक रोप नुमा चीज़ भी थी, वो भी बना ही लेते हैं। इधर एक लूप कर देंगे, ठीक है। इस वाले फेस को पकड़ लेंगे, ई प्रेस करूंगा और फिर उसके बाद मैं इसको एस से स्केल कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद इधर हम एक लूप कट बना लेंगे अपनी मर्जी का, और इस फेस को पकड़ लेंगे फिर ई प्रेस और राइट क्लिक मैंने कर दिया, और उसके बाद मैंने एस प्रेस किया, ठीक है, और जी और वाई, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी, सिर्फ इस वाले को पकड़ के ई और
एस थोड़ा सा आगे करेंगे, थोड़ा सा आगे कर लूँगा मैं छोटा। कैसे हम यहाँ लूप कर देंगे, एक ड्रॉल क्लिक, ड्रॉल क्लिक, ड्रॉल क्लिक, ठीक है, छोटा तो भी छोटा कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ, इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेंगे। इधर एक क्लिक, इधर एक और इधर एक, ठीक है, इसको भी वैसे ही छोटा, और इसको पकड़ के जी एक्स, और इसको पकड़ के जी एक्स, ठीक है। अच्छा, इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि यार ये दोनों तरफ बन गया है, मसला नहीं है, वो एक तरफ से हम बड़ी आराम से मॉडिफायर अप्लाई करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक्सेसरीज अगर आप इसको चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पाउचेस वगैरह। फिलहाल के लिए मैं अभी यहीं पे इसको रोक दूंगा, यहाँ एक लूप कट, यहाँ एक लूप कट, इधर और इधर भी एक लूप कट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मटेरियल्स में, ये मैं आ गया हूँ रेंडर प्रीव्यू में, ठीक है। अब अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें हम लाइट्स ऐड कर लेते हैं, एरिया वाली एक ये लाइट, ठीक है, 50 वॉट कर देते हैं, जी और एक्स, आर और वाई, ठीक है, शिफ्ट डी, आर, जेड, 180, जी, एक्स, फिर इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा सेंटर कर लेंगे, ठीक है, फिर शिफ्ट और डी प्रेस करने से वो भी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाता है, तो ये हमारी जो लाइट्स हैं डुप्लीकेट हो गई। मैं इनको आर, जेड, 90 प्रेस करूँगा, देखें हमारे पास दो लाइटें और आ गई हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 लाइटें आ गई हैं। इसमें मैं कॉन्टैक्ट शेडो ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी रोटेशन दे देता हूँ ऐसे। उसके बाद अब जो है हम मटेरियल्स लगाना शुरू करते हैं अपने करेक्टर पे। सबसे पहले हेड पे हम लगाएंगे, डार्क पर्पल, ठीक है, इसमें हम एक कलर और ऐड कर लेंगे, सही है, येलोइश, हमारा ये वाला हिस्सा है, इसको हम ये कलर असाइन कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम ये कर देंगे, इधर हम एक और कलर ऐड कर देंगे, ये वाला, और ये इसको असाइन कर देंगे,
साइन करेंगे, ठीक है। इधर एक लूप कट और दे देंगे, ठीक इसको भी ये कलर असाइन कर देंगे। तो ये कलर असाइन करेंगे। रो के लिए हम यहाँ ब्राउन कलर ले लेंगे। सेलेक्ट किया इसको, कंट्रोल प्लस, और प्लस और प्लस और प्लस, हीरो सेलेक्ट हो गई है, राउंड कर देते हैं। वाला मटेरियल अब जो है ये स्किन के लिए कर देंगे। लाल हेड को मैं हाइड करता हूँ, कंट्रोल प्लस करते जाएंगे। ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए तो इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ यहाँ और यहाँ तक हमें स्किन कलर चाहिए। स्किन कलर आ गया, ठीक है। बियर्ड के लिए सिंपल वाइट ले लेंगे। बियर्ड के लिए हम यहाँ से पकड़ते हैं कलर, जैसे मैंने फेसेस को पकड़ लिया, कंट्रोल प्लस। एच करके देख लेंगे, ज़्यादा तो नहीं सेलेक्ट हुआ हुआ। ये तो होगा ये, और ये आ गया, ठीक है। इधर एक लूप कट हमें देना पड़ेगा, ये वाले फेस को स्किन कलर लगेगा। इधर भी स्किन कलर आएगा, इधर बियर्ड का कलर आ जाएगा। इसको भी ये कलर दे देंगे। ऑल टच करेंगे, हमारी हाइट आ गई, इसलिए मैं इसको हाइट करेंगे फिलहाल। स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन ऑन कर लेंगे, ठीक है। और एम्बिएंट डिकर्जन लूम
क्या अच्छा, ये एक चीज जो मिसिंग है वो है हमारी आंखें। हम क्लिक करेंगे आंखों के पास और क्यूब उठा कर लेंगे। एस और थोड़ा सा खरीद कर लेंगे। जी वाई आर जेड ठीक है। और इसको हम लगाएंगे मॉडिफायर, मिरर मॉडिफायर, और ऑब्जेक्ट दे देंगे हमारा विजार्ड है। ठीक है, ओके बन गई। और आंखों में थोड़ा सा ग्लो डाल देंगे, के लिए मैं इमिशन यूज कर लूंगा। कर देंगे 20। इसी तरह हाथों के अंदर भी कंट्रोल प्लस ये वाला कलर। अच्छा, अभी जो है थोड़ा बॉक्सी सा लग रहा है ना हमारे करेक्टर की स्किन, तो इसमें हम सब सरफेस कलर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। बॉक्सी फील है वो काफी हद तक हट गई। स्किन में जो हमारे जूते हैं उसको हम कर लेंगे राउंड। तो ये हो गया हमारा करेक्टर, नेस बढ़ा लेंगे। ये इसके अंदर हम थोड़ी सी शाइन ऐड कर लेंगे। गाइस, ये था हमारा विजर्ड का करेक्टर। इस तरह आप और भी करेक्टर्स बना सकते हैं। बस याद रखें कि रेफरेंस हमेशा अपने सामने रखें और उसी को देखते हुए शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको एग्जैक्ट वैसा ही कॉपी करना है जैसा उसमें है। आप उसको अपने तरीके से, अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा जैसे जैसे मैं और करेक्टर्स गेम के लिए बनाता जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।